सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप में से जो अभी न्यू यूट्यूब पे आने के लिए सोच रहे हैं और आपका वीडियो का क्वालिटी जैसा है चलेगा, लेकिन आपका वॉइस का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बट कोई कोई क्या करते हैं, डायरेक्ट फोन का माइक्रोफोन से बोल लेते हैं, जिसके बाद उनका वीडियो तो थोड़ा अच्छा आता है लेकिन उसका जो वॉइस का क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। और वहाँ पर अगर आपका ऑडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा तो कोई भी आपका बात को समझ नहीं पाएगा और आपका वीडियो को नहीं देखेगा, तो इसलिए आपका जो ऑडियो इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों, अगर आपने इनमें से हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया है। 200 रुपीज के अंदर आने वाला एक माइक्रोफोन आज मेरे पास है और ये उबन ब्रांड से आता है। इसका नाम है उबन CM21। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका फीचर बताने के साथ साथ ये माइक्रोफोन में मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो को और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास और भी कुछ माइक्रोफोन है, जैसा कि सबसे पॉपुलर माइक्रोफोन जो कि है बोया बाय M1। इसका भी माइक्रोफोन का क्वालिटी कैसा है इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ये आपको 700 रुपीज के अंदर मिलता है। इसके अलावा मेरे पास एक Xiaomi का Mi बेसिक ईयरफोन है, ये 400 रुपीज के अंदर मिलता है। और इसके अलावा और भी एक ईयरफोन है जो कि Ambren ब्रांड का है, Ambren स्ट्रिंग 38 इसका नाम है, ये आपको 150 रुपीज के अंदर मिलता है। और इस दोनों में माइक्रोफोन मिलता है। और इसके अलावा और भी एक गेमिंग हेडफोन है जो कि है कॉस्मिक बाइट H1 गेमिंग हेडफोन, और यहाँ पर भी माइक्रोफोन मिलता है और ये भी आपको 700-800 रुपीज के अंदर मिल जाता है। इसको भी इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, अगर मैं विदाउट माइक्रोफोन डायरेक्ट फोन का इंटरनल मिक्स है अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो उसका क्वालिटी कैसा रहेगा। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये जो 200 रुपीज के अंदर उबन का माइक्रोफोन मिल रहा है, इसका माइक्रोफोन का ऑडियो का क्वालिटी कैसा है। और इस वीडियो का एंड में बताऊंगा ये 200 रुपीज के अंदर मिलने वाला उबन CM21 क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ एक वीडियो में मैं सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अगर आपने इंटरेस्टेड हैं ये सारे टॉपिक के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटा सा इंट्रो के बाद। दोस्तों, अभी तो इस उबन माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है और मैं आपको जितने भी सारे प्रोडक्ट बताया सभी का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने उसका प्राइस को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को विजिट करके उसका प्राइस को चेक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगता है तो परचेस कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा रुकिए, सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रोफोन को आपको परचेस करना चाहिए। दोस्तों, यह है इस उबन CM21 माइक्रोफोन का बॉक्स और इसको मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ से करता हूँ मैं इसको कट। बॉक्स हो गया है कट। देखिए, इसके अंदर कुछ पेपर मिलता है, मुझे लगता है कि शायद ये इसका इनवॉइस होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ये इनवॉइस है। देखिए, इनवॉइस में इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन है जो कि है 199 रुपीज। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, फाइनली ये रहा उबन CM21 का बॉक्स। इसका जो बॉक्स पहले से डैमेज्ड हो गया है, मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आया होगा जिसके बाद ये डैमेज्ड हो गया होगा। तो बॉक्स डैमेज्ड है वो तो चलेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और इसका राइट साइड में इसका कुछ मेन स्पेक्स मेंशन है जो कि हाई फिडेलिटी साउंड क्वालिटी, इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन, हाई सेंसिटिविटी, स्टेबल परफॉर्मेंस। और मैं इसको टेस्टिंग करने के बाद आपको बता पाऊंगा कि इसका जो हाई साउंड क्वालिटी मिलता है और नॉइस रिडक्शन मिलता है क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता है। और यहाँ पर 1.5 मीटर का इसका वायर का लेंथ है वो भी मेजर करके देखेंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पर मिलता है मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग, थैंक यू फॉर बाइंग ए उबन प्रोडक्ट। और ये कलर माइक्रोफोन है और इसका MRP है 599 रुपीज, लेकिन आपको 199 रुपीज में मिलता है। दोस्तों, इस माइक्रोफोन को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अब वेट नहीं कर पाऊंगा, इसका जो यहाँ पर सील मिलता है, चलिए अब इसको कट करते हैं। और इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हैंडल भी मिलता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो फाइनली यह रहा उबन का माइक्रोफोन। तो चलिए अब देखते हैं कि जो उबन का माइक्रोफोन है इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, सच में इसका वेट बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से 15-20 ग्राम का होगा। तो चलिए अब इसका वेट को मेजर करते हैं कि कितना होगा। यहाँ पर मैं वेट मशीन लेता हूँ और यहाँ पर टेस्ट करूँगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 11 ग्राम का हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। यह इसका 3.5 mm जैक। अगर आपका फोन में 3.5 mm का एक पोर्ट है तो ही आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका फोन में 3.5 mm जैक नहीं है, टाइप सी पोर्ट है, तो आपको एक टाइप सी टू 3.5 mm अडाप्टर को लेना होगा। और यहाँ पर एक उबन का टैग मिलता है और इसका जो मॉडल नंबर है CM21। और इस फोम के अंदर है इसका मेन माइक्रोफोन। देखिए ये है एक फोम और ये है मेन माइक्रोफोन। और इसमें फोम क्यों मिलता है और इस फोम को माइक्रोफोन ऐसे लगाने से आपका मुंह से जितने भी सारे अनवांटेड नॉइज आता है सभी को रिडक्शन करेगा। माइक्रोफोन का बॉडी प्लास्टिक का है, तो चलिए ये जो फोम को इसके अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। और इसका क्लिप में मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, तो चलिए अब इसको प्रेस करते हैं। तो गया, ये क्या हो गया? देखिए यार, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्के से प्रेस किया, फिर भी देखिए ये टूट गया। यानी इसका जो क्लिप है पूरे घटिया है। और आपको बता दूं कि इनका दो वेरिएंट मिलता है, एक होता है प्लास्टिक क्लिप और एक है मेटल क्लिप। देखिए मेटल क्लिप में जैसा कि बोया भाई M1 माइक्रोफोन में क्लिप मिलता है, मेटल का क्लिप उसी तरह क्लिप मिलता है, लेकिन उसका प्राइस 30 rupees ज़्यादा है। फिर भी आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए अब इसका वायर का लेंथ को मेजर करेंगे। और इसका लेंथ हो रहा है 150 cm जो कि है 1.5 meter। और इसका बॉक्स में भी सेम लिखा हुआ था कि इसका वायर का लेंथ है 1.5 meter जो कि ठीक है। और इसमें एक बहुत ही पतली वायर मिलता है, फिर भी प्राइस के हिसाब से ठीक है। और ये वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करेगा हमें इससे मतलब है। देखेंगे क्या ये अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड करता है या नहीं करता है, इसका तो टेस्टिंग करूंगा। उसके साथ साथ मैं अभी जितने भी सारे माइक्रोफोन बताया था सभी को वन बाय वन कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी A80 का इंटरनल मिक वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करता है उसको टेस्टिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो वॉइस सुन रहे हैं मेरा सैमसंग गैलेक्सी A80 का इंटरनल मिक से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं बोया बाई M1 माइक्रोफोन को इससे कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों अब मैं बोया बाई M1 माइक्रोफोन को फोन के अंदर इंसर्ट कर दिया हूँ। ये माइक्रोफोन वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करता है टेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं था, क्योंकि इस वीडियो का स्टार्टिंग से मैं जो माइक्रोफोन का यूज कर रहा था ये था बोया बाई M1। फिर भी मैं आपको बता दिया कि जो बोया बाई M1 माइक्रोफोन का ऑडियो का क्वालिटी कैसा आता है। तो चलिए अब इस बोया बाई M1 माइक्रोफोन को निकाल कर मी बेसिक ईयरफोन को कनेक्ट करूंगा और उसके बाद इसका वॉइस को टेस्ट करेंगे। दोस्तों अब आप ये जो वॉइस सैंपल सुन रहे हैं ये है Amren String 38 ईयरफोन का माइक्रोफोन से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब ये जो Cosmic Byte H1 गेमिंग हेडफोन इसका माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। अब ये जो Ubun माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं इसका वॉइस क्वालिटी वगैरह कैसा आता है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं इस Ubun CM21 माइक्रोफोन को मेरा फोन के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और अब आप ये जो वॉइस सैंपल सुन रहे हैं इसका माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और क्लिप टूट गया तो क्या हुआ, मैं इसको मेरा कॉलर पे लगा दिया। देखिए कॉलर पे लगाने के बाद ये Ubun CM21 माइक्रोफोन आपका वॉइस को इसी तरह रिकॉर्ड करेगा जैसा कि बोया बाई M1 माइक्रोफोन ओमनी डिरेक्शनल को रिकॉर्ड करता है, यानी 360 degree वॉइस को कैप्चर करके रिकॉर्ड करता है। ये भी सेम ओमनी डिरेक्शनल वॉइस को रिकॉर्ड करेगा यानी 360 degree वॉइस को कैप्चर करेगा। और अगर मैं मेरा रूम पे एक फैन लगा के मेरा वॉइस को रिकॉर्ड करूंगा तो इसका क्वालिटी कैसा आएगा, क्या ये नॉइस को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, तो चलिए थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। और मैं फैन को करता हूँ ऑन। देखिए दोस्तों अब फैन हो गया है ऑन। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा फैन का आवाज़ आ रहा होगा। अब आपका साउंड का क्वालिटी कैसा लग रहा है और जब मैं कूलर पे लगाऊंगा तो इसका साउंड का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। और अब मैं मेरा फ़ोन के साथ बोया बाई M1 माइक्रोफोन को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी फैन को ऑन करूँगा और साउंड का क्वालिटी कैसा आता है वो भी आपको बताऊँगा। दोस्तों अब मैं बोया बाई M1 माइक्रोफोन को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और अब फैन को ऑन करूँगा और नॉइज़ कैसा आता है वो सुनते हैं। तो देखिए अब मैं फैन को ऑन कर दिया, फैन का आवाज आपको कुछ आ रहा होगा, मेरा वॉइस का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। 5 hours later अब मैं सभी का क्वालिटी को सुन लिया। सबसे पहले बता दूं कि जो ईयरफोन का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगा, जो ईयरफोन होता है बेसिकली कॉल के लिए होता है इसलिए इसका साउंड का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगा। जो Cosmic Byte H1 गेमिंग हेडफोन है इसका भी वॉइस इतना अच्छा नहीं लगा, चाहे लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसके लिए ही अच्छा होता है। अब बताता हूँ ये जो बोया बाई M1 माइक्रोफोन है इसका क्वालिटी मुझे कैसा लगा। इसका तो क्वालिटी आवश्यक है क्योंकि का प्राइस है 700 rupees और 700 rupees के हिसाब से ये अच्छा साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड कर देता है। और इसको यहाँ पर साइड में रखता हूँ और फाइनली बताता हूँ कि जो Ubun का माइक्रोफोन है इसका साउंड क्वालिटी मुझे कैसा लगा। दोस्तों इसका प्राइस तो है 200 rupees लेकिन 200 rupees के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस मिला मेरा वॉइस को बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया दोस्तों। और जब मैं फैन को ऑन किया तब पता चला कि जो बोया बाई M1 है वो थोड़ा नॉइस को ज़्यादा कैंसिल करता है क्योंकि ऑब्वियसली इसका प्राइस ज़्यादा है और इस Ubun भी कुछ कम नहीं है, ये भी अच्छे से नॉइस कैंसिल करा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ये जो Ubun का माइक्रोफोन है
क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका प्राइस है 200 रुपीज, तो 200 रुपीज के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, फोन का जो प्लास्टिक क्लिप वाला वेरिएंट आता है उसको मत लेना, वहाँ पर अगर आपने 30 रुपीज ऐड कर लेते हैं तो आपको मेटल क्लिप वाला वेरिएंट मिल जाएगा, उसके साथ जा सकते हैं। एक का प्राइस है 199 रुपीज और एक का प्राइस है 229 रुपीज। दोनों माइक्रोफोन तो दोनों में सेम है, मेटल में जो 30 रुपीज ज्यादा है वो सिर्फ मेटल क्लिप के लिए 30 रुपीज ले रहे हैं, फिर भी चलेगा। और अगर आपने क्लिप यूज नहीं करते हैं तो प्लास्टिक क्लिप वाला को ले लीजिए, क्योंकि आपका 30 रुपीज सेव हो जाएगा। अगर आपने क्लिप का रेगुलर यूज करते हैं तो मेटल को लेना अच्छा रहेगा। और ये जो ओवन मेड इन इंडिया ब्रांड है, और सबसे जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इसका प्राइस है 200, और मेरा वॉइस को ये अच्छे से रिकॉर्ड किया और नॉइस को भी ये थोड़ा थोड़ा कैंसिल किया। देखिए, सिर्फ 200 रुपीज में दोस्तों, और आपको क्या चाहिए। मैं इसको परचेस किया, इसका रेटिंग चेक किया तो मुझे पता चला कि इसका जो रेटिंग है 2.5 स्टार है। क्यों मुझे पता नहीं, कोई इसका रेटिंग को इतना कम दे दिया है। दोस्तों, आप ये देखिए कि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज है। इसका प्राइस वर्सेस जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो अच्छा है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस उबन CM21 माइक्रोफोन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अगर आपका बजट है 200 रुपीज और आपने एक बेस्ट माइक्रोफोन को परचेस करने के लिए सोच रहे थे, डिस्क्रिप्शन को विजिट करके ये माइक्रोफोन को परचेस कर लीजिए। इसका क्वालिटी वगैरह आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। दोस्तों, अभी तो इस वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने एक एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, फिर भी अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फ्रेंड्स आपने क्या कर रहे हैं, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।